श्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी होगे तो अपने घर में होगे। 2003 की हिट फिल्म हंगामा के सीक्वल का हिस्सा कौन से अभिनेता होंगे? हंगामा के अभिनेता इस समय क्या कर रहे हैं? बॉलीग्रे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आने वाली फिल्म हंगामा 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि सुपर हिट फिल्म हंगामा की सीक्वल है, और बात करेंगे पिछली फिल्म के सितारों और उनके वर्तमान स्थिति के बारे में भी। प्रियदर्शन को कई बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों जैसे हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, भागम भाव, गरम मसाला, भूलभुलैया, दे दनाधन जैसे कॉमेडी मूवीज़ के लिए जाना जाता है, और प्रियदर्शन ने बॉलीवुड में कॉमेडी की बादशाह होने के टैग को प्राप्त किया है। उनकी अगली फिल्म के बारे में बात करें तो प्रियदर्शन जल्द ही फिल्म हंगामा का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म हंगामा का सीक्वल है, जो अपने समय की हिट फिल्म थी। सीक्वल में परेश रावल के साथ शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, मेजन जाफरी, राजपाल यादव और प्रणिमा सुभाष है, जबकि पिछली फिल्म हंगामा में रिमी सेन, आफ्ताब शिवदासानी, अक्षय खन्ना, राजपाल यादव, परेश रावल और शक्ति कपूर थे। पुराने कलाकारों के बारे में बात करें तो रिमी सेन पिछले कुछ समय से बॉलीवुड से दूर है। वो बिग बॉस 9 के साथ छोटे पर्दों पर वापस आई, लेकिन शो में अच्छा नहीं किया और जल्द ही एविक्ट हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद इस साल की शुरुआत में रिमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वजह यह है कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए रिमी को लुभा रही है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने औपचारिक रूप से उनसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक सक्रिय नेता बनने का अनुरोध किया है। ये देखते हुए कि रिमी ने अभिनय के लिए बिड लगाई है, उन्हें राजनीति में करियर बनाने पर गंभीरता से विचार करने के लिए कहा गया है। रिमी, जिन्होंने प्रियदर्शन के हंगामा के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, उन्हें आखिरी बार 2011 में तिग्मांशु धूलिया के फिल्म शागिर्द में बड़े पर्दे पर देखा गया था। धूम, गरम मसाला के बाद उन्हें सलमान खान की फिल्म क्यों की मिली, इसके बाद वो दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी, गोलमाल जैसी फिल्मों में दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने फिल्म बूधिया सिंह से पहली बार एक निर्माता के रूप में हाथ आजमाया, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और कुछ समय बाद वो इस फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर चली गई। आफ्ताब शिवदासानी के बारे में बात करें तो 1999 में उन्होंने रामगोपाल शर्मा की फिल्म मस्त से अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू और स्टार स्क्रीन अवार्ड के लिए जी सिने अवार्ड भी मिला। आफ्ताब की पिछली कुछ फिल्मों के बारे में बात करें तो 2009 में शिवदासानी ने आओ विश करें में अभिनय किया, जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी राइजिंग सन एंटरटेनमेंट के तहत पहली फिल्म थी। उन्होंने सहलेखन में मदद की और मुख्य किरदार मिकी की भी भूमिका निभाई। उसी वर्ष शिवदासानी एसिड फैक्ट्री में दिखाई दिए। 2011 में शिवदासानी ने प्रियंका कोठारी के साथ कॉमेडी फिल्म बिन बुलाए बाराती में मुख्य भूमिका निभाई। शिवदासानी के अगली रिलीज 2012 की सुपरहिट 1920 द एविल रिटर्न्स थी, जिसमें उन्होंने ट्विंकल वाजपेयी के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ग्रैंड मस्ती 2004 की ब्लॉकबस्टर मस्ती की सीक्वल भी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की भारी सफलता की। जनवरी 2016 में हिट फ्रेंचाइज क्या कूल है हम का पार्ट 3 रिलीज हुआ था, जहां आफ्ताब ने तुषार कपूर के साथ अभिनय किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। जुलाई 2016 में सुपरहिट मस्ती सीरीज की तीसरी कड़ी ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीज हुई थी। ग्रेट ग्रैंड मस्ती आखिरी फिल्म थी जिसमें आफ्ताब को देखा गया था। अक्षय खन्ना के बारे में बात करें तो ढिशुम के बाद कुछ सालों से उन्हें पर्दे पर नहीं देखा गया, तो क्या वजह है? क्या अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया है? अक्षय खन्ना ने अपने कैरियर की शुरुआत हिमालय पुत्र से की थी। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्में बॉर्डर, ताल, दिल चाहता है और रेस है। 4 साल तक 2012 से 2016 तक अक्षय बॉलीवुड से गायब है। चर्चा ये थी कि वो अभिनय से तंग आ गए थे और उन्होंने अलीबाग के एक फार्म हाउस में खुद को अलग कर लिया था। अक्षय खन्ना बहुत कम फिल्में करते हैं। वास्तव में उन्होंने 2012 से 2016 तक ब्रेक ले लिया था और वे आखिरी बार ढिशुम में एक खलनायक के रूप में लौटे, जिसके बाद उन्हें अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया। आप इन अभिनेताओं के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उन्हें फिर से ये फिल्में करनी चाहिए और क्या आप उन्हें दोबारा फिल्मों में देखना चाहेंगे?
अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।